इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ इज इक्वल टू पी ए और पी बी ये दो टेंजेंट्स दिए हैं पी से बढ़ रहे हैं सर्कल के ऊपर और एंगल ए पी बी दिया हमें 80 का एंगल पी ओ ए बताना है कितने डिग्री का होगा। अब जब पी ए और पी बी टेंजेंट है तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 का और यहाँ भी एंगल बनेगा 90 का ये कितना है 80। सबसे पहले हम एंगल फाइंड करेंगे ए ओ बी तो कैसे फाइंड करेंगे गिवन दिया है पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ एंड एंगल ए पी बी 80 ये मैंने बताया गिवन है। टू फाइंड करना एंगल पी ओ ए पी ओ ए फाइंड करने के लिए हमने क्या किया जॉइन ओ बी ओ और बी को जॉइन कर दिया। अब मैंने बताया आपको सिंस पी ए इज टेंजेंट टू द सर्कल एट ए एंड ओ ए इज द रेडियस पी ए जो है वो टेंजेंट है सर्कल पे किस पॉइंट पे ए पॉइंट पे और ओ ए क्या है रेडियस है इसलिए एंगल ओ ए पी कितना होगा 90 का। तो रीजन दिया टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो एंगल ए आ गया 90 का क्योंकि पी ए टेंजेंट था टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है 90 का तो एंगल ओ बी पी ये हमने सिमिलरली लिख लेना है कितना आ जाएगा 90। फिर लेंगे हम ये वाला क्वाड्रिलेटर ओ ए पी बी क्वाड्रिलेटर के एंगलों का सम क्या होता है 360 तो सिमिलरली एंगल ओ बी पी आ गया 90 तो इन क्वाड्रिलेटर ओ ए पी बी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इक्वल टू 360 एक एंगल बन रहा है ए पे एक पी पे एक बी पे एक ओ पे चारों एंगलों का सम है 360। अभी मैंने बताया ओ ए पी ये हमने फाइंड किया कितना है 90 और ए पी बी ये गिवन दिया है 80 और ओ बी पी ये भी बताया 90 का ए ओ बी फाइंड करना है फाइंड तो हमने पी ओ ए करना है लेकिन उसके पहले ए ओ बी तो इन तीनों का सम आ गया 260 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या है 360 तो एंगल ए ओ बी आ गया 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री ट्रांसफर किया तो एंगल ए ओ बी आ गया 100 का। अब एंगल हमने ए ओ बी ये पूरा एंगल जो ए ओ बी है ये है 100 का हमने फाइंड करना है पी ओ ए। अब हम दोनों ट्राइंगल्स क्या करेंगे कॉन्गुएंट देखो कॉन्गुएंट कैसे करेंगे ए एंगल 90 बी एंगल 90 ओ पी ओ पी क्या है कॉमन और ओ ए ओ बी क्या है रेडियस तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्गुएंट ये दोनों एंगल क्या आ जाएंगे बराबर पी ओ ए और पी ओ बी जब ये दो एंगल बराबर होंगे और ये पूरा एंगल कितना है 100 तो ये आ जाएंगे 50 के। तो हमने क्या किया इसके बाद इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी जो मैंने पहले बताया आपको तो ए एंगल और बी एंगल कितना है 90 डिग्री का यानी ओ ए पी इक्वल टू ओ बी पी ईच 90 ओ पी ओ पी कॉमन ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ट्राइंगल्स क्या हो गए ओ ए पी कॉन्गुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी बाय आर एच एस क्योंकि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड तो आर एच एस रूल से ट्राइंगल्स हो गए कॉन्गुएंट तो ए ओ पी आ गया बी ओ पी के। तो मैंने बताया जब ट्राइंगल्स आपके कॉन्गुएंट होंगे तो ये एंगल और ये एंगल बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गुएंट ट्राइंगल के आ जाएंगे इक्वल। अब पूरा एंगल कितना है 100 का तो इन दोनों का सम क्या होगा 100 तो इस एंगल की जगह हम ये लिख देंगे तो ये आपका एंगल 50 का आ जाएगा। वो कैसे आएगा देखो जब ट्राइंगल्स कॉन्गुएंट किए तो ए ओ पी आ गया बी ओ पी बाय सी पी सी टी अब ए ओ बी हमने 100 का फाइंड किया हुआ है प्रूव्ड तो ए ओ बी जो है इसमें दो एंगल थे ए ओ पी और बी ओ पी दोनों का सम कितना है 100 तो बी ओ पी इक्वल टू ए ओ पी तो दोनों को हमने लिख दिया ए ओ पी प्लस ए ओ पी इक्वल टू 100 डिग्री। रीजन क्या आ गया ए ओ पी इक्वल टू बी ओ पी अब ए ओ पी और ए ओ पी क्या बन गया टू एंगल ए ओ पी तो ट्वाइस एंगल ए ओ पी आ गया 100 का तो ए ओ पी आ गया 100 बाय 2 कैंसिल करके आ गया 50 तो एंगल ए ओ पी आ गया 50 यानी एंगल पी ओ ए ही आपका 50 डिग्री का होगा ए ओ पी या पी ओ ए एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर हमें क्या प्रूव करना है जो परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है इसमें पी टू द टेंजेंट टू ए सर्कल ए बी क्या है टेंजेंट है पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इस पर जो परपेंडिकुलर बन रहा है पी पॉइंट पर पासिस थ्रू द सेंटर वो कहाँ से पास कर रहा है सेंटर से यानी ओ पी जो है वो सेंटर से पास
करनी चाहिए लाइन, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ, ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पी, मैंने बताया ए बी क्या है, टेंजेंट है सर्कल पे बन रहा है एट पॉइंट पी पर, पी पर प्रूव करना है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, कि जो परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर बन रहा है टेंजेंट की मदद से सर्कल के ऊपर, वो कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव किया तो क्या बताया मैंने, ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल, ए बी क्या है सर्कल पर क्या बना रहा है, ए बी क्या है टेंजेंट है सर्कल पर बन रहा है जो पी पॉइंट पर, किस पर, टू द सर्कल एट पी, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है, ए बी सर्कल, ए बी जो है वो टेंजेंट है सर्कल के ऊपर और पी जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पी। अब आपने पढ़ा हुआ है टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द रेडियस, वहां पर हम लिखते थे टेंजेंट जो है वो 90 का एंगल बनाता है रेडियस के साथ, कहां पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, क्योंकि यहां पे हमें रेडियस प्रूव करना है, क्योंकि वो सेंटर से पास करना चाहिए टेंजेंट जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर बन रहा है वहां से। तो वो कैसे किया, टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द रेडियस, जो टेंजेंट है वो 90 का एंगल बनाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर विद द रेडियस, किसके साथ, रेडियस के साथ। सो OP विल बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल, इसका मतलब ये जो OP है ये क्या होगा, रेडियस होगा, इसलिए मैंने क्या लिखा कि OP विल बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल, OP क्या होगा, सर्कल का रेडियस। और रेडियस की क्या डेफिनेशन है, रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट हुज वन एंड पॉइंट लाई एट द सेंटर, जिसका एक एंड पॉइंट सर्कल के सेंटर पे लाई करता है एंड अदर एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, दूसरा सर्कल के ऊपर, एक सर्कल के सेंटर पे और दूसरा सर्कल के ऊपर, तो इसको बोलते हैं रेडियस। देयरफॉर ओपी पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, अब ओपी मैंने बताया रेडियस है, तो एक पॉइंट सेंटर पे आ रहा है, एक पॉइंट सर्कल के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ओपी कहाँ से पास करेगा, सेंटर से, क्योंकि एक पॉइंट सेंटर में है, तो ओपी पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यही लिखा था मैंने बताया आपको, ओपी पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हेंस परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, यानी जो परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टेंजेंट की मदद से जो बन रहा है, जो टेंजेंट बना रहा है सर्कल के ऊपर, यानी जो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, वो कौन से पास करेगा, सेंटर से। थैंक यू।